नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और हम बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर चार दिन के बाद स्थिति सामान्य हो गई। ये देखिए, जो कल तक यही था, जो सभी ट्रेनें कैंसिल्ड बता रही थी, आज सभी ट्रेनें, हम बता दें, एक एक ट्रेन का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया जा रहा है। जैसे जानकी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, शहीद एक्सप्रेस, दरभंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये सभी, हावड़ा एक्सप्रेस, सभी ट्रेन की सूचना यहाँ दी जा रही है। और कल तक जो काउंटर थे, मात्र एक काउंटर कार्य कर रहा था, आज देखिए कि सभी काउंटर लगभग खुले हुए हैं और काउंटर पर सभी जानकारी लेने चाह रहे हैं। यानी कि लगातार 5-6 काउंटर थे, सभी काउंटर बंद थे, यहाँ एक भी कोई नहीं था। यहाँ देखिए, किसी भी गाड़ी के प्लेटफॉर्म की सूचना लाइन क्लियर होने पर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा हम बता दें, कई से ट्रेन हैं जिसको स्थगित कर दिया गया था कल तक, और आज से लगभग सभी ट्रेनें का परिचालन हो रहा है। लेकिन हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे, आज कौन कौन से ट्रेन का परिचालन होगा। लेकिन स्टेशन पर इंक्वायरी काउंटर पर देखिए, ये सारा सूचना दिया जा रहा है, हर एक ट्रेन की सूचना दी जा रही है कि अब ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। कल तक वापो की स्थिति थी, लोग डरे थे, सहमे हुए थे, खौफ में थे कि आखिर क्या होगा, नहीं होगा, और आज स्थिति समान हो गई। चले हम देखते हैं कौन कौन ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हुआ है। तो हम बता दें, इस उहापोह के बीच दरभंगा रेलवे स्टेशन के इंक्वायरी काउंटर पर अब लोग आना जाना प्रारंभ किए हैं, जबकि कल तक ये सूचना दी जा रही थी कि सभी ट्रेनें स्थगित थे। कल कुछ ट्रेनें चली हैं और आज लगातार लोग पूछ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज कौन कौन सी ट्रेन का परिचालन हो रहा है, क्या क्या सूचना है। आज से लगभग सभी ट्रेन का परिचालन पुनः स्टार्ट हो गया है, केवल एक गाड़ी छोड़ के, गाड़ी संख्या 09-64/09-65, ये गाड़ी का परिचालन लगभग 11 कौन ट्रेन है ये दरभंगा अहमदाबाद हम सफ़र एक्सप्रेस है। अच्छा, साबरमती का क्लोन है। पवन का इस पवन पुनः चालू हो गया है। और कौन, क्या स्थिति है, और जितनी ट्रेनें आने वाली थी सब आ चुकी हैं आपसे? सभी ट्रेनें आ चुकी है और कुछ ट्रेनें अभी भी आ रही है। तो लोकल ट्रेन के क्या स्थिति है? लोकल ट्रेन सारी चालू हो गई है। सभी चालू हो गई जी। तो अभी क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हो रहा था, रैक की कमी के कारण गाड़ी सबको स्थगित किया जा रहा था, जो कि बहुत हद तक समस्या दूर हो चुकी है, और पुनः सभी गाड़ी का समस्या दूर होने के कारण सब चालू हो गई है। क्या कई ट्रेन विलम्ब भी चल रही हैं, या विलम्ब यहाँ से भी प्रारंभ हो रही हैं, या क्या आ रही हैं? हाँ, कुछ गाड़ी विलम्ब चल रही है, जैसे कि अभी मनिहारी से आ रही है जानकी एक्सप्रेस, जिसका टाइम था 7:55, वह गाड़ी अभी समस्तीपुर नहीं पहुंची है। नया नगर से 8:25 में चली है, वह गाड़ी लगभग यहाँ 10 बजे तक आएगी। लंबी दूरी के ट्रेनों का क्या हाल है परिचालन का? लंबी दूरी के ट्रेनों का परिचालन ठीक है, सभी ट्रेन सभी टाइम पर चल रही है। अभी एक हम सफर छोड़ के सभी चल रही है, सभी समय पर अपना चल रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल था कि कल 24 तारीख को भी लेकर के कुछ आ रहा है सूचना, कि हो सकता है कि बंद हो जाए, क्या इस तरह की सूचना? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई सूचना नहीं आया है। अच्छा, और क्या DRM ऑफिस से और कौन सूचना, क्या क्या सूचना आई है आपके? बस यही सूचना आई थी जो आपको, जो 11 तारीख तक दरभंगा अहमदाबाद हम सफर 09-64/09-65, ये 11 तारीख तक कैंसिल है, बाकी सब चल रही है। तो हम बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से अब एक ट्रेन हम सफ़र एक्सप्रेस छोड़ करके, जो गौर से सुनिएगा देखने वाले, कि एक ट्रेन छोड़ करके बाकी सभी ट्रेनों का परिचालन दरभंगा रेलवे स्टेशन से समय पर प्रारंभ हो गया है। और अब जो खौफ था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य बहाल हो चुकी है। लोग अब घर से निकल कर स्टेशन पर आ रहे हैं अपनी यात्रा के लिए, ट्रेन का रिजर्वेशन करवा रहे हैं, ट्रेन के लिए आ रही है। देखिए, पूरी तरह दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अब सामान्य स्थिति नजर आ है। जो चार दिन पहले का था, वही अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई है। हालांकि लोगों के दिल में खौफ और डर थोड़ा अभी भी बरकरार है, लेकिन इन सब के बीच ट्रेन का परिचालन प्रारंभ होने से लोगों में एक खुशी है। लेकिन सभी का ये कहना है, जो इस तरह के उपद्रवी हैं उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आगे से इस तरह का काम ना हो। धन्यवाद।